अपने बच्चों को बिगड़ते नहीं देखना चाहते तो इस कहानी को ध्यान से सुनना। मित्रों, कहते हैं जैसी हम अपनी प्रवृत्ति बना लेते हैं उसी के अनुसार हमारी दिनचर्या बन जाती है। गुण हो या अवगुण, यदि हम उन्हें अपनी आदत में शामिल कर लेते हैं तो वैसा ही हमारा आचरण बन जाता है और हमारे आचरण से प्रभावित होकर वैसे ही लोग हमें प्रतिक्रिया देते हैं। जय श्री कृष्ण। मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल गोपेश ज्ञान में। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं वो हर किसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मित्रों, पुराने दिनों की बात है, पहले गांव देहातों में चूड़ी वाले चूड़ी बेचने जाते थे। आज भी बहुत से गांवों की ये परंपरा है कि गांव की महिलाएं शहर या बाजारों में नहीं जाती हैं, वे गांव में चूड़ी बेचने वाले लोग आते हैं उनसे ही चूड़ियां पहनती हैं। ऐसे ही एक बाबा थे चूड़ी बेचने वाले, उनका नाम था जमील खां। वे रहते तो शहर में थे पर चूड़ी बेचने अक्सर गांव में जाते थे। पहले तो वे चूड़ियों की गठरी अपनी कमर पर बांधकर ले जाया करते थे, लेकिन जैसे जैसे उनका काम बढ़ता गया तो उन्होंने चूड़ियों की गठरी रखने के लिए एक गधी खरीद ली। अब वे उसी गधी की पीठ पर चूड़ी लादकर रोजाना गांव गांव फिरते थे। जब भी वे गांव में पहुंचते तो गांव के बच्चे उन्हें देखते ही हल्ला मचाना शुरू कर देते कि चूड़ी वाले बाबा आ गए, चूड़ी वाले बाबा आ गए। वे अपने हाथ में एक छड़ी रखते थे गधी हांकने के लिए, पर उसे कभी मारते नहीं थे। उनका गधी को हांकने का ढंग भी बड़ा निराला था। वे गधी को हांकते वक्त कभी कहते, चल मेरी बेटी चल, कभी कहते, चल रानी चल, जल्दी जल्दी चल, गांव पहुंचना है, कभी कहते, चल मेरी लाड़ो रानी, निक बेग से चल, गांव में बहु बेटियां इंतजार कर रही होंगी। कई बार वे अपनी गधी को बिटिया कहकर संबोधित करते थे, कभी चंदा तो कभी हिरनी कहकर पुकारते थे। कभी कभी वे अधिक लाड़ बरसाते हुए उसे सूरजमुखी की उपमा देते थे और कहते, चल मेरी सूरजमुखी, आज तूने बहुत काम किया है, घर पहुंचकर मैं तुझे मट्ठे में ऐसी रोटी भिगोकर खिलाऊंगा जैसी राजा की घोड़ी ने भी कभी नहीं खाई होगी। चूड़ी वाले बाबा की बातें सुनकर राह चलते लोग भी मुस्कुराते चले जाते। एक दिन एक आदमी ने चूड़ी वाले बाबा को रोककर पूछा, हे बाबा, एक बात समझ में नहीं आती, दुनिया भर के तांगे वाले लोग, गधे वाले, बैल वाले, ऊंट वाले, हाथी वाले सब अपने जानवरों को हांकते वक्त गालियां देकर हांकते हैं, पर आप अपनी गधी को गालियां देना तो दूर, उसे बहुत प्यार से हांकते हैं, ये क्या बात है? कभी आप उसे चंदा कहते हैं, कभी सूरजमुखी, कभी बिटिया तो कभी लाड़ू, आपके मुंह से मैंने कभी गधी को गाली देते नहीं सुना। बूढ़े बाबा ने उसे बहुत सुंदर उत्तर दिया, बोले, बेटा, मेरा काम चूड़ियों का है और चूड़ियां पहनती हैं महिलाएं, मुझे सारे दिन महिलाओं के बीच रहना पड़ता है, मैं अगर अपनी गधी को गालियां देने लगूं तो मेरी जुबान को गालियां देने की आदत पड़ जाएगी, और सभी जानते हैं कि व्यक्ति की जैसी आदत पड़ जाए तो वो समय और स्थान नहीं देखता। यदि किसी दिन स्त्रियों के बीच में भी मेरे मुंह से अचानक गाली निकल सकती है, इस समय सभी बहु बेटियां मुझे अपने बाबा की तरह मानती हैं, मेरा सम्मान करती हैं, अगर मैं गाली बकने लगूं तो क्या वे मेरा सम्मान करेंगी? नहीं करेंगी, फिर तो मेरा सम्मान भी जाएगा और रोजगार भी। इसीलिए मैं अपनी गधी से भी उसी भाषा में बात करता हूं जैसे मैं बहु बेटियों से करता हूं, और अब ये मेरी आदत बन गई है। मैं यदि गाली देने का प्रयास भी करूं तो भी मेरे मुंह से अच्छी बात ही निकलती है, क्योंकि मेरी आदत मेरे स्वभाव में शामिल हो चुकी है। यही हर मनुष्य की बात है, वो जिस जिस बात को, गुण अवगुण को अपनी आदत बना लेता है उसी के अनुसार कार्य करता है। जैसे कोई आदमी शराब पीते पीते उसे अपनी आदत में शामिल कर लेता है तो उसे शराब को याद करना नहीं पड़ता, वो खुद पे खुद याद आ जाती है। शराब की तलब उसे शांत नहीं बैठने देती जब तक वो उसे पी नहीं लेता। ऐसे ही अच्छी आदत वाले को अच्छी बात, अच्छे काम याद नहीं करने पड़ते, वे स्वतः ही उसमें होने लगते हैं। तभी तो कहते हैं कि हमें बचपन से ही अच्छे कामों को,
अच्छी बातों को, अच्छे खाने को तरजीह देना चाहिए, जिससे कि वे हमारी आदत बन जाए। आपने देखा होगा कि जो लोग टैपिंग करते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, वे उन्हें देखते भी नहीं, फिर भी उनकी उंगलियां बिल्कुल सही जगह पर गिरती हैं। ये सब कैसे हो जाता है मित्रों? इसका कारण है अभ्यास। बार बार किसी काम को करते रहने से वो आपकी आदत में शामिल हो जाता है। कभी कभी हम लोग लापरवाही में बुरी बातों को अपने पास आने देते हैं, फिर वे हमारी आदत बन जाती हैं, और फिर बाद में कोशिश करने पर भी वे हमारा पीछा नहीं छोड़ती। हम देखते रहते हैं और वे हमारा नुकसान करती रहती हैं। वे दिन प्रतिदिन हमारी कीमत कम कर रही हैं। हम उनसे बचना भी चाहते हैं पर बच नहीं पाते और उनका शिकार होते रहते हैं। कारण है बुरी बातों को लंबे समय तक अपने जीवन में प्रयोग में लाना। जब सुधरने की बात हमारे दिमाग में आती है तब तक बहुत देर हो जाती है। मित्रों, सबसे पहले हमें जरूरत है कि हम इस बात को समझें कि कौन सी बात बुरी है, कौन सी बात अच्छी है। क्योंकि शुरू शुरू में जब हम बुरी बातों को ग्रहण करते हैं तो उस समय हमारी अज्ञानता के कारण हमें वे सब बातें अच्छी लगती हैं। बुरी तो वे हमें तब लगती हैं जब हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, फिर हम उन्हें चाहकर भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वे हमारी आदत बन चुकी है। हम अपनी उन आदतों के गुलाम हो चुके हैं। वे हमसे जैसा करने को कहेंगी हम वैसा ही करने को मजबूर हो जाते हैं। मित्रों, इसलिए ध्यान रहे, उन आदतों को अपने आसपास ना भटकने दीजिए जो आपको और आपके बच्चों के लिए दुखदाई बने। कहते हैं आपके घर के छोटे छोटे बच्चे अपने बड़ों का ही अनुकरण करते हैं, जिससे आपके अंदर होने वाली बुरी आदतें आपके बच्चों में भी पहुंच जाती हैं। और यदि एक लंबे समय तक वे इन बातों को अपनाते रहें तो सारी बुरी बातें उनकी भी प्रवृत्ति में शामिल हो जाती हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि आपके बच्चे आपको देखकर ही सीखते हैं। यदि आप अपने घर में रोज पशु पक्षियों को लाकर उनकी हिंसा करेंगे तो आपके बच्चे भी हिंसा सीख जाएंगे। वो एक कहावत है कि नाविक के बच्चे को कभी नाव चलाना नहीं सिखाया जाता, फिर भी वो नाव चलाना सीख जाता है। इसलिए मित्रों, यदि आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य को बुरी आदतों की भेंट चढ़ते नहीं देखना चाहते तो आज से ही ये प्रतिज्ञा कर लो कि आप बुरी बातों और बुरे कामों को अपने पास नहीं आने देंगे। जब भी हो अच्छी बातों को अपनाने की आदत डालें। जीवन की एक खास बात है कि जो अच्छी बातों को अपनाने की आदत डाल लेता है, बुरी बातें उससे अपने आप ही दूर रहने लगती हैं। मेरा मानना है कि व्यक्ति चाहे स्वयं कितना ही बुरा हो पर वो अपने बच्चों को अपनी तरह नहीं बनाना चाहेगा। जब बुरा व्यक्ति भी अपने बच्चों में अच्छी आदतों की कामना करता है तो फिर इतना ध्यान रखना मित्रों, केवल कामना से कुछ नहीं होता, उन्हें अच्छा बनाने के लिए स्वयं भी अच्छा बनना पड़ता है, तभी उनके जीवन में अच्छाई पूरी तरह से लागू हो पाएगी। मित्रों, यदि आप अपनी औलाद को बिगड़ते देखना नहीं चाहते तो ये तीन बातें गांठ में बांध कर रखना। पहली, अच्छी और बुरी बातों को जानो। दूसरी, अच्छी बातें ही अपनी आदत में शामिल करो, बुरी बातें अपने आप ही दूर रहने लगेंगी। तीसरी, यदि आप बुरी आदतों के शिकार हो भी तो प्रयास करो उसे धीरे धीरे त्यागने का, और खास करके बच्चों के सामने या घर में बुरे कामों को ना लाएं, क्योंकि इस देखा देखी से बच्चे बिगड़ जाते हैं। मित्रों, इस वीडियो के संबंध में आपके क्या विचार हैं? कमेंट में अपनी राय देना। मिलते हैं अगली बार नई चर्चा के साथ एक नई वीडियो में। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।